हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग सीबीएसई द्वारा जो सैम्पल पेपर हाल ही में रिलीज़ किया गया दम टू के लिए, उनके क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 का डिस्कशन इसके पहले वीडियोस में किए हुए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके एक बार देख सकते हैं। आज हम 8 का जो ये और वाला पार्ट है उसका हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखेंगे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, डी वाई डी एक्स वाई कॉट एक्स इक्वल्स टू 2/1 + sin x, इसको हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। और हमको चेक करना है जो वैल्यू है वो एट पॉइंट कहाँ पे चेक करना है, x इक्वल्स टू π/4 पे 0 दिया हुआ है y की वैल्यू। ठीक है, तो हमको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो चलिए देखते हैं, पहले हम इस इक्वेशन को लिखते हैं यहाँ पे और फिर हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो हमें दिया हुआ है dy/dx प्लस वाई कॉट एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 2/1 + sin x। अब जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है इसको पहले समझिए कि ये किस टाइप का इक्वेशन है। क्या है, होमोजेनियस है? होमोजेनियस से हम क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं? नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्या है, लीनियर में है। ठीक ना, डी वाई बाई डी एक्स ये इस फॉर्म में, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं विच इज़ लीनियर इन वाई, है ना, ये लीनियर इन वाई में है। अब जैसे लीनियर इन वाई में, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने का तरीका जानते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को निकालना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IF, इसको लिखते हैं हम लोग e^p इंटीग्रेशन ओवर PdX। ठीक ना, अब यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा। और इसका जो सॉल्यूशन निकालने का तरीका होता है उसके लिए फॉर्मूला याद रहना चाहिए, y(IF), है ना, y(IF) इक्वल्स टू q(IF)dx प्लस का c होता है। तो ये होता है आपका सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला। तो हम इसी का यूज़ करेंगे और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए इसमें देखते हैं, इसमें p क्या है, p हमारा कॉटेक्स है और q क्या है हमारा, ये हमारा 2/1 + sin x है। तो यहाँ से हम p बराबर हम यहाँ से लिख देते हैं कॉटेक्स और q बराबर लिख देते हैं 2/1 + sin x। तो यहाँ से जब हम IF निकालने लेंगे तो हमारे क्या आएगा, e^p dx होता है, इंटीग्रेशन pdx होता है, तो e^ इंटीग्रेशन cotx dx हो जाएगा। और इंटीग्रेशन ऑफ cotx हम लोग जानते हैं वो क्या होता है, log sin x होता है। तब हम लोग जानते हैं अगर e बेस अगर सेम रहा है तो ये जो e^log a जो होता है वो a के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे a क्या है, sin x है, तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से sin x। तो IF हमारा क्या निकल जाएगा, sin x। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन निकालने के लिए इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, y(IF) इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q(IF) प्लस का c। अब y(IF) की जगह हम लोग लिखेंगे sin x इंटू qf की जगह 2/1 + sin x, और फिर IF की जगह हम लोग लिखेंगे यहाँ पे sin x प्लस का c। अब अगर यहाँ से अगर हम 2 को बाहर कर ले तो sin x प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हम लिख सकते हैं यहाँ से, और नीचे में क्या हो जाएगा, 1 + sin x है ना, तो यहाँ से 1 + sin x dx प्लस का c हो जाएगा। तो यहाँ से 2 बाहर, अब दोनों इंटीग्रेशन को हम जैसे अलग करेंगे तो 1 dx हो जाएगा -2 1/1 + sin x dx प्लस का c हो जाएगा। अब यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx का x हो जाएगा यहाँ से माइनस, यहाँ से अगर हम क्या करें कि 1 + sin x को हम cos x में कन्वर्ट कर दें तो यहाँ से हो जाएगा 1 + cos π/2 - x dx प्लस का c हो जाएगा। तो यहाँ से 2x हो गया -2 1 + cos x के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 2 cos² x/2, यहाँ से π/4 हो जाएगा और यहाँ से x/2, ये फॉर्मूला होता है ना, इसके हम फॉर्मूला लिख देते हैं 1 + cos²θ के लिए होता है 2 cos²x। तो यहाँ से हम इसका यूज़ कर लें, यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बनेगा कितना, यहाँ से 2x माइनस, यहाँ से ये जब cos² को हम जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका sec²π/4 - x/2 dx प्लस का c। अब sec का हम लोग इंटीग्रेशन पता है, sec²x का क्या होता है, tan x होता है, तो tan π/4 - x/2। ओके, और यहाँ से जो ये -x/2 का जो आएगा वहाँ से -1/2 एक और आएगा प्लस का c। ठीक है,
अब ये टू पर जाएगा तो टू एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से टू टेन पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू प्लस का सी। अब हम पूरा हम यहाँ से लिखते हैं क्या आया था, वाई इंटू साइन एक्स इक्वल्स टू कितना होगा, टू एक्स प्लस टू टेन पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू प्लस का सी। तो यहाँ से लिख देता हूँ एक बार, वाई साइन एक्स इक्वल्स टू टू एक्स प्लस का टू टेन पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू प्लस का सी। अभी सी की वैल्यू निकालनी है, तो सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या है बोला है, वाई इक्वल टू जीरो एट एक्स इक्वल्स टू पाई बाय फोर पे, है ना। तो एक्स इक्वल्स टू जैसे ही पाई बाय फोर पुट करेंगे ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि वाई जीरो है, तो इधर जीरो हो गया। यहाँ से एक्स की वैल्यू पाई बाय फोर पुट करेंगे तो टू पाई बाय फोर हो जाएगा टू, यहाँ से जैसे टेन क्या हो जाएगा पाई बाय फोर माइनस, यहाँ से कितना हो जाएगा, जैसे पाई बाय फोर पुट करेंगे तो पाई बाय फोर बाय टू तो पाई बाय एट हो जाएगा प्लस का सी। यहाँ से हो गया कितना, जीरो इक्वल्स टू पाई बाय टू हो जाएगा, यहाँ से आपका टेन पाई बाय फोर माइनस टेन पाई बाय एट, यहाँ से टेन कितना हो जाएगा, टेन पाई बाय फोर ही हो जाएगा, माइनस का टेन पाई बाय फोर हो जाएगा, तो माइनस का टेन पाई बाय फोर मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा टू प्लस का सी। तो यहाँ से आपका सी बराबर हो जाएगा, सी बराबर हो जाएगा टू माइनस पाई बाय टू, टू माइनस पाई बाय टू, ठीक है। और हम यहाँ से सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो यहाँ से वाई इंटू साइन एक्स इक्वल्स टू टू एक्स प्लस टू टेन पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू प्लस सी की वैल्यू टू माइनस पाई बाय टू, तो ये आपका हो जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।